बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने प्रिंटर फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रिंटर वो फंक्शन है जिसके जरिए हम अपने प्रोग्राम के आने वाले रिजल्ट को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस आउटपुट को आप किस तरतीब में, किस अलाइनमेंट में देखना चाहते हैं, ये डिसाइड करता है ये फील्ड विड्थ का एलिमेंट। याद रखिए दोस्तों, सी लैंग्वेज में ये जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है, ये 80 हिडन कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है जिनको यूजर्स देख नहीं सकते, और हर एक कॉलम में एक अल्फाबेट, एक करेक्टर, एक डिजिट, एक स्पेस को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज आप पाकिस्तान के वर्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो ये वर्ड क्योंकि 8 करेक्टर्स पर मुश्तमिल है, इसीलिए ये वर्ड आउटपुट स्क्रीन पर 8 कॉलम्स में डिस्प्ले होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो वर्ड आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है, ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हुआ है। आपको सी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए इसको डिस्प्ले करवाने के लिए। यानी अगर आप इस प्रिंटर फंक्शन में देखें, तो आपने यहाँ पर कहीं डिफाइन नहीं किया है कि आपको इस वर्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए कितने कॉलम्स रिक्वायर होंगे। आपके सी के कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इसके करेक्टर्स को काउंट करके इसको 8 कॉलम्स के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी मर्जी के कॉलम्स को मुंतखब करके उनमें वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये जो आपके सामने वर्ड डिस्प्ले हुआ है, ये कॉलम 1 से शुरू नहीं हो बल्कि कॉलम 5 से स्टार्ट हो, तो तब तो आपको सी के कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है फील्ड विद स्पेसिफायर। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द आउटपुट स्क्रीन इज कॉल्ड फील्ड विड्थ। यानी किसी भी वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, ये स्पेसिफाई किया जाता है फील्ड विड्थ के जरिए। और डियर फ्रेंड्स, आपकी वैल्यू या तो किसी वेरिएबल में स्टोर हो सकती है या किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट की सूरत में प्रोड्यूस हो सकती है। और आप जानते हैं कि दोनों ही तरह की वैल्यूज को अगर आप आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप प्रिंटर फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ ये जो फील्ड विड्थ का एलिमेंट है, ये दरअसल फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर तो ये बताएगा कंपाइलर को कि ये जो वैल्यू डिस्प्ले होने जा रही है, इसका फॉर्मेट क्या होगा। ये कोई इंटीजर वैल्यू होगी, कोई फ्लोट वैल्यू होगी, करेक्टर या स्ट्रिंग वगैरह होगी। लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ अगर आप फील्ड विड्थ भी साथ ही मेंशन कर देंगे, तो ये कंपाइलर को बताएगा कि डिस्प्ले होने वाली वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर कितने कॉलम्स को ऑक्यूपाई करेगी, उसकी अलाइनमेंट क्या होगी, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह क्या होगी। इट मींस कि अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर वैल्यू को या किसी एक्सप्रेशन से प्रोड्यूस होने वाले रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करना तो लाजमी है। लेकिन अगर आप इस वैल्यू को मजीद खूबसूरती के साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो तब आप यूज करेंगे फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स को। यानी यहाँ ये बात गौर तलब है कि किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एक मैंडेटरी एलिमेंट है। यानी अगर आपको किसी भी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना ही करना है। जबकि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर एक ऑप्शनल एलिमेंट है। अगर आप इसको यूज नहीं भी करेंगे, तब भी आपकी वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। अब दोस्तों, आइए इसके सिंटैक्स को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ ये सबसे पहले है परसेंट का सिंबल, उसके बाद फ्लैग, देन विड्थ, देन डॉट के बाद प्रिसिशन। ये सब क्या है, आइए बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सिंटैक्स में सबसे पहले आप परसेंट के सिंबल को यूज करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के लिए हम परसेंट के सिंबल को यूज करते हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ ही हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स को भी यूज करते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ परसेंट का सिंबल को यूज करेंगे, उसके बाद दोस्तों फ्लैग आएगा। और ये फ्लैग क्या है दोस्तों, फ्लैग से मुराद है कि कुछ एडिशनल कैपेबिलिटी सिंबल जिन्हें हम अपने फील्ड विड्थ के साथ इस्तेमाल करके आउटपुट को अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस टेबल में देखें, तो आपको ये चार फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, माइनस, प्लस, स्पेस और जीरो। तो दोस्तों, यहाँ माइनस के सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है लेफ्ट जस्टिफाई।
यानी ये आप अगर ये आप फ्लैग में माइनस इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके आउटपुट पर शो होने वाली वैल्यू को लेफ्ट अलाइन कर देगा, लेफ्ट जानिब मूव कर देगा। इसके बाद है प्लस का फ्लैग। दोस्तों आपकी जो वैल्यू है डिस्प्ले, जिसको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो अगर आप प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस का फ्लैग लगाते हैं, तो आपकी वैल्यू के साथ पॉजिटिव सिंबल शो होगा। और अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू है तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर वैल्यू के साथ नेगेटिव सिंबल होगा। इट मींस कि हमेशा आपकी वैल्यू के साथ साइन जरूर डिस्प्ले होगा। इसके बाद है दोस्तों स्पेस। स्पेस क्या करता है, अगर आपकी वैल्यू के साथ कोई साइन मौजूद नहीं होगा तो साइन को रिमूव कर देगा स्पेस से। और आखिर में है जीरो। दोस्तों जीरो इसमें एडिशनल अगर आपके कोई कॉलम्स हैं, यानी आपने नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा ले लिए हैं और आपके डेटा जो है वो कम है, तो जो एडिशनल कॉलम्स होंगे, जो बच जाने वाले कॉलम्स होंगे, उसमें ये जीरो को फिल कर देगा। और दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, सिंटेक्स में भी देख चुके हैं कि इन तमाम फ्लैग्स को आप परसेंट के सिंबल के फौरन बाद मेंशन करेंगे। इसके बाद है विड्थ। दोस्तों विड्थ से मुराद है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को आप यूज करना चाहते हैं अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। जैसे एक वैल्यू है 15, तो इसकी विड्थ होगी 2, क्योंकि इसको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए दो कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर आप खुद से इसकी विड्थ 3 असाइन कर देंगे तो अब डिस्प्ले तो ये 2 कॉलम्स में ही होगा, लेकिन एक कॉलम जो है उसमें स्पेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। यानी अगर आप खुद से कोई विड्थ देते हैं और वो विड्थ जो है वो बड़ी है उस वैल्यू से, तो जो बच जाने वाले कॉलम्स होंगे, जो एडिशनल कॉलम्स होंगे, उसके अंदर स्पेस आ जाएगा। और आखिर में है प्रिसिशन। दोस्तों प्रिसिशन से मुराद है कि आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि डेसिमल का इस्तेमाल हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में करते हैं, तो प्रिसिशन का एलिमेंट भी सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में ही यूज होता है, जो कि ये बताता है कि डॉट के बाद कितनी वैल्यूज आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि इंटीजर वैल्यूज के साथ आप फीडबैक स्पेसिफायर्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं कि इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी का यूज करते हैं। तो अगर हमें इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ फील्ड विड्थ को भी यूज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है ए, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 15, तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी को यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू 15 है ये 5 कॉलम्स पर डिस्प्ले हो, अगर आप दोस्तों इसको ऐसे ही कंपाइल करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स पर डिस्प्ले होगा। ये 1 जो है ये एक कॉलम पर डिस्प्ले होगा और ये जो 5 है ये सेकंड कॉलम पर डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको 5 कॉलम्स पर डिस्प्ले करें, तो हम इस परसेंट और डी के दरमियान, यानी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के दरमियान फील्ड विड्थ को भी डिफाइन करेंगे। और यहाँ अगर हम 5 कॉलम्स पर अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर विड्थ दे देंगे 5। और अब ये विड्थ कंपाइलर को ये बता रहा है कि इस इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे 5 कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं। अब दोस्तों जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से शो होगा। यानी अभी हम इसको कंपाइल करते हैं और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आपको इस तरह से शो हो रहा है। यानी आपकी वैल्यू क्योंकि 2 नंबर्स पर मुश्तमिल है तो ये डिस्प्ले भी 2 ही कॉलम्स में होगी, और जो बाकी के एडिशनल कॉलम्स हैं उनमें इस तरह से स्पेस आ जाएगी। और याद रखिए दोस्तों जब कभी भी आप इस तरह से अपने वैल्यूज को डिस्प्ले करवाते हैं तो वो हमेशा वैल्यू आपकी राइट अलाइन होती है, जबकि स्पेस जो है वो पहले आ जाती है। यानी जो एडिशनल कॉलम्स होते हैं उनमें पहले स्पेस आती है, उसके बाद वैल्यू असाइन होती है। और ये कब होता है, जब जो आपने विड्थ असाइन की है वो बड़ी है आपके डेटा से। यानी अगर आप यहाँ गौर करें तो आपके डेटा तो आपका डेटा छोटा है, वो तो 2 कॉलम्स पर ही डिस्प्ले हो, लेकिन विड्थ क्योंकि आपने अपने डेटा से बड़ी रखी है, यानी विड्थ आपने 5 रखी है, इसीलिए आपके एडिशनल कॉलम्स के अंदर स्पेस आ जाएगा और जो आपका डेटा है वो राइट अलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स का। लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि विड्थ आपने कम दी हो जबकि आपका जो डेटा हो वो ज्यादा हो। जैसे आपने वेरिएबल में स्टोर करवाया है 132, लेकिन परसेंट के बाद आपने विड्थ असाइन की है 2, तो यहाँ आप देखें
तो डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें तीन कॉलम्स चाहिए, जबकि हमने विड्थ में दो कॉलम्स देखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपके डाटा को उतने कॉलम्स में फिट कर देगा जितनी की उसे नीड होगी। यहाँ क्योंकि हमें तीन कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसे तीन कॉलम्स में ही फिट कर देगा। तो आइए दोस्तों आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने विड्थ तो 2 असाइन की है, यानी हमने इसे 2 कॉलम्स में डिस्प्ले होने के लिए कहा है, लेकिन क्योंकि आपका जो वेरिएबल है उसमें स्टोर है वैल्यूज 3, यानी इसको डिस्प्ले होने के लिए 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड है, तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इसको 3 कॉलम्स में फिट कर दिया। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने देखा कि इस एग्जाम्पल में कंपाइलर आपके वैल्यू को बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन कर रहा था, यानी अगर हम इसको रन करके देखें तो यहाँ पर जो एडिशनल आपके कॉलम्स थे, क्योंकि हमने 5 बिट दी थी तो एडिशनल कॉलम्स के अंदर स्पेस असाइन की थी लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर आपका डेटा इसने अलाइन कर दिया था। अब अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो लेफ्ट अलाइन हो जाए, यानी लेफ्ट जाने बाज है, और जो एडिशनल कॉलम्स हैं वो राइट साइड पर शो हो, तो इसके लिए आप परसेंट के बाद माइनस के फ्लैग को यूज करेंगे। यानी आपने सबसे पहले परसेंट लिखा, परसेंट के बाद आपने माइनस लगा दिया। अब इस माइनस से क्या होगा दोस्तों, आपके जो एडिशनल कॉलम्स हैं वो राइट हैंड साइड पर आ जाएंगे और जो आपकी वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगी। हमने कंट्रोल एस किया, यानी इसको सेव किया और कंपाइल और रन किया, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है ये लेफ्ट अलाइंड हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स के जरिए आप अपने डेटा को मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी की अलाइनमेंट उसको दे सकते हैं। दोस्तों एक और अहम बात कि अगर आप यहाँ पर कोई साइन लगा देते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज किया है, तो अब आपका जो वेरिएबल है वो इस ए के अंदर मौजूद वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, तो अब इस वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को जब आप प्रिंट करवाएंगे तो माइनस भी एक कॉलम में डिस्प्ले होगा। यानी अब आपका जो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज है ये 3 कॉलम्स में डिस्प्ले होंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 3, तो दोस्तों आपके इस पूरी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं। अब जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर ये 3 कॉलम्स में डिस्प्ले होगा, माइनस एक अलग कॉलम में डिस्प्ले होगा, 1 अलग कॉलम में और 5 अलग कॉलम में। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर विड्थ दे देते हैं 4, तो अब दोस्तों आपकी जो एडिशनल कॉलम्स हैं उसके अंदर स्पेस आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है तो उसके अंदर स्पेस आ जाएगा और बाकी के कॉलम्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि इंटीजर वैल्यूज के साथ आप किस तरीके से फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स को यूज कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ किस तरीके से फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स को यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।